स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं द इमैकुलेटेड रूम की एक फिल्म आई है 2022 में। इसको और भाई साहब फिल्म बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसमें मैक्सिमम तीन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे और फिल्म आपका दिमाग घुमा कर रखती है पूरी तरह से। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि एक डॉक्टर ने एक न्यू एक्सपेरिमेंट बनाया होता है कि अगर कोई कपल इस रूम के अंदर रहेगा 50 दिनों तक पूरे तो उसको $5 मिलियन दिए जाएंगे, और अगर कोई इनमें से रूम को छोड़कर एक चला जाता है दोनों में से तो 5 मिलियन का जो प्राइस है वो घटकर 1 मिलियन पे आ जाएगा। रूम में आने के बाद बाहर से कहीं से भी कनेक्शन कुछ नहीं होगा, कुछ यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं दिया जाएगा, बस एक रूम होगा। और फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं वही अपने प्यारे से कपल से जिसका नाम होता माइक एंड केट। दोनों बहुत खुश होते हैं, इनको लगता है कि भाई साहब इससे ज़्यादा आसान से तो पैसा कमाया जा ही नहीं सकता है। माइक कहता है कि हम बहुत लकी है जो यहाँ पर सेलेक्ट होकर आए हैं। केट कहती है कि मैं अपने पैसे को हर जगह इन्वेस्ट किया करूँगी। माइक कहता है कि नहीं 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 इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको पार्टी में उड़ा देंगे। मतलब ये लोग अभी मिलने से पहले काफ़ी लंबे लंबे प्लान बना रहे होते हैं। दोनों को रूम में यहाँ पर लाया जाता है, पूरा रूम वाइट होता है, सब कुछ वाइट है, बाथरूम भी वाइट है, बट सिंपल दिख रहा होता है। और एक रेड कलर का बटन दिया गया यहाँ पर कि अगर किसी को रूम से बाहर जाना है तो वो रेड बटन को दबाकर लीव कर सकता है यहाँ से, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं होती है। और एक स्क्रीन भी दी गई है जहाँ से ये लोग चाहें तो अपने लिए कोई ट्रीट सामान मंगा सकते हैं, बट हाँ इन लोगों को उसमें से पैसे देने पड़ेंगे जो इनका प्राइस का होगा वो। और हाँ ट्रीट में ये लोग खुद भी सिलेक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है रैंडम सी चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। ओके अब यहाँ पर एक क्लॉक लगाएगा, बहुत बड़ा टाइमर चल रहा होता है, जो 50 दिनों का टाइमर चल रहा होता है। उनको खाना इतना ही दिया जाता है, यहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक टाइप की पिलाई जाती है कुछ जो कि इनकी बॉडी के लिए मतलब ज़रूरत हो हमारे एक दिन के जीने के लिए, और ये लिक्विड में होता है। रूम में ऐसे लाइट लगे हुए हैं जो कि डे नाइट के हिसाब से बदलते रहते हैं। सुबह किसी और कलर की लाइट जलती है, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, रात को लाइट्स ऑफ हो जाती है। और स्क्रीन से ये लोग अलार्म भी सेट कर सकते हैं। माइक अपने वेकेशन के सपने देखता हुआ सोने के लिए चला जाता है और केट सुबह का अलार्म लगाती है। अब दोनों यहाँ साथ में अंधेरे में लेटे होते हैं तो चुल उठ जाती है इनमें से एक के, तो माइक कहता है कि चलो प्यार मोहब्बत कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ये कहते हैं नहीं 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 भाई कैमरे लगे हुए तो बाहर से बैठकर हमारा मस्त तो देखेंगे करते हुए। पर माइक जिद करता है तो लोग मस्त छुप के वहीं पर चादर वादर के अंदर कैसे भी करके निपटा देते काम को जल्दी जल्दी से। और सुबह केट बाथरूम में जाती है, नहाते हुए कपड़े लॉन्ड्री में दे देती है और पहनने के लिए इसको सिंपल सा पजामा दिया जाता है वहाँ से। और टाइम पास करने के लिए इनके पास तो कुछ रह नहीं गया, तो भाई साहब कितनी बातें कर लेंगे ये लोग, करते हैं बातें, टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। केट योगा करती है, माइक क्लॉक को देखता रहता है, टाइम को गिनता रहता है कम होते हुए। और रूम की बातें करते हैं लोग कि रूम वाइट क्यों है इतना। केट कहती है कि क्लॉक को मत देखो, बस तुम ध्यान रखो तो अपने प्राइस के ऊपर जो कि हमें मिलने वाला है। अब रात को माइक की नींद उड़ने लग गई होती है और केट अपना डेली रूटीन को फॉलो कर रही होती है, सुबह उठना, अलार्म लगा के योगा करना, एक्सरसाइज करना, नहाना धोना सब कुछ, और अपने साथ माइक को भी एक्सरसाइज करवाती है ताकि इसका दिमाग ठीक रहे। और खेलते हैं यहाँ पर ये लोग बहुत सारी गेम्स, रोज मस्ती करते हैं, सेम कपड़े पहनते हैं रोज। और ऐसे कुछ वीक बीतने के बाद कुछ ऐसा होता है कि एक दिन इन लोगों को रूम के अंदर एक कीड़ा मिलता है। माइक इसे अपनी ड्रिंक पिलाता है तभी ऊपर से आवाज आती है कि ये तुम्हारे लिए ड्रिंक है, तुम किसी और को नहीं पिला सकते वरना तुम एलिमिनेट हो जाओगे। अब कीड़े को यहाँ से ये बाहर भेजने की बात कहता है, कहता है कि कीड़ा यहाँ पर मर जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, और रेड बटन को दबाने की कोशिश करता है। केट कहती है कि अगर रेड बटन प्रेस करोगे तो हम हार जाएंगे गेम, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे से कीड़े मकोड़े के लिए क्या ही रिस्क ले अपने गेम के लिए। माइक कीड़े को नीचे रख देता है और इसकी वैल्यू बताता है क्योंकि शाकाहारी होता है, तो केट को लगता है कि ये मतलब इस तरह की है, तो उसको कहता है कि तुम नॉनवेज खाती हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कीड़े मकोड़े से, इनकी जिंदगी होती है, ये होता होता करता है। तो दोनों की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, बहस होने लगती है। काफ़ी देर लड़ाई होने के बाद गलती से केट कीड़े के ऊपर चढ़ जाती है और वो मर जाता है। माइक मानता ही नहीं कि गलती से चढ़ी थी, मना मना के थक जाती है। अब पूरा दिन एक कोने में बैठकर बिताता है ये, और परेशान होकर कहता है कि इस ड्रिंक से पक गया हूँ मैं और मुझे अब कुछ नई चीज़ चाहिए। तो ये जाकर वहीं पर कहता है कि मेरे को ट्रीट चाहिए, जो मेरे को पैसे मिलेंगे वो तुम उसके अंदर से काट लेना प्राइस के अंदर से, और जाकर ट्रीट को ऑर्डर करता है। और ट्रीट में क्या मिलती है इसको, एक ग्रीन कलर की पेंसिल होती है ये। अब ये दीवार पर इसे ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है, दोनों फिर फनी फनी ड्राइंग्स बनाते रहते हैं। एक लिमिट पर आकर पेंसिल भी खत्म हो जाती है, बट इनके बीच का जो लड़ाई वड़ाई था वो सब ठीक हो गया होता है। तो दोनों माफिया भी मांगते हैं और सोचते हैं कि बस 20 दिन और बचे, कैसे भी करके काट लेते हैं यहाँ पर, फिर तो बाहर जाके मस्ती करेंगे। एक सुबह अचानक केट को बाथरूम में गन मिल जाती है, दोनों हैरान परेशान कि भाई साहब गन कहाँ से आ गई यहाँ पर अभी। ये दोनों बेड के नीचे छुपा देते हैं इसको, क्योंकि लॉन्ड्री के लिए जो कपड़े वपड़े दिए जाते हैं उसके अंदर गन को फेंकना या किसी भी चीज़ को बाहर के फेंकना अलाउ नहीं होता है। कुछ दिन के बाद एक प्राइज मिलता है, इनके फैमिली एंड फ्रेंड के मैसेजेस इनको दिखाए जाते हैं। माइक की सिस्टर ने इसको
मैसेज किया होता है वीडियो कॉल, उसमें बता रही है कि हमारी फैमिली ठीक है, ये वो, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास केट जैसी गर्लफ्रेंड है, ये वो सारी चीज़ें। पर केट के डैड की जब वीडियो प्ले होती है तो ये भड़क जाती, क्योंकि वो बताते कि मैं अब रोड पर नहीं रहता हूँ, अब मैं शेल्टर में रहने लग गया हूँ। और केट बार बार कह रही तो वीडियो को रोको रोको रोको, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। केट बहुत रोती है परेशान होकर, दोनों सो जाते हैं और अगले दिन केट उठती नहीं, वो पूरे दिन बेड में पड़ी रहती है और ये बताती कि मैं तुमसे हमेशा झूठ बोला करती थी, असल में मेरे फादर जो थे वो एक नंबर के नशेड़ी थे और एक दिन घर छोड़कर चले गए थे, आज मैंने बहुत दिन बाद उनको देखा है, अब बस 2 वीक और बचे हुए इनको यहाँ पर रहने के लिए, मतलब 14 दिन, और ये हमेशा बेड पड़ी पड़ी रहती है। माइक उसे एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हें उठना चाहिए, जोक्स भी सुनाता है इसको, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और एक दिन कहता है कि चलो एक और ट्रीट मंगा लेते हैं, पर केट कहती कि नहीं, हमें और पैसे खर्च नहीं करने चाहिए ट्रीट के पीछे। माइक कहता है कि अब नहीं हो रहा मुझसे। केट उठती और कहती कि चलो ले लो एक और ट्रीट, और रूम खुलता है, मतलब गेट बाहर से ट्रीट का ऑर्डर होते हैं, और एक बिना कपड़ों के लड़की अंदर आती है, इसका नाम सुमोना होता है। अभी अंदर आती है और एक्चुअल में जो होती है ये एक एक्टर होती है जिसको 24 घंटे के लिए यहाँ पर लाया गया है, और इसको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ पर। केट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि किस गर्लफ्रेंड को पसंद आएगी कि किसी उसके बॉयफ्रेंड के सामने मतलब कोई बिना कपड़ों की लड़की खड़ी है। सुमोना इसकी पेंटिंग देखती काफ़ी तारीफ करती है, और रात को माइक नीचे सोने जाता है और दोनों लेडीज़ को बेड ऑफर करता है, बट यहाँ पर बहस वहस करते हैं लोग, तुम सो जा के चक्कर में। केट कहती है कि हम तीनों को ऊपर ही सो जाने चाहिए। रात को केट को नींद नहीं आ रही होती है, और अगली सुबह जब वो उठती है तो गायब होती है सुमोना, और ये देखती तो बाथरूम में होती है वो, फिर नंगी पुंगी सी। केट का ये सब देख के दिमाग खराब होता है, वो कैसे भी करके इसको भगाना चाहती है यहाँ से, इसलिए ये जाकर ट्रीट लेती है। और इस बार 3 फन की कैंडीज आती है, तीनों को ये खाकर डांस करने लग जाते हैं। एक तरह से फन कैंडी क्या बोलेगा, वो नशे की गोलियां होती हैं, ठीक है। माइक को सपना आने लग जाता है, इसका छोटा भाई पानी में डूब रहा है, इसको बचाने के लिए जा रहे हैं, पैनिक हो जाता है, बहुत पागल सा हो जाता है, और केट इसको वापस ठीक करती है, नॉर्मल इसको सुला देती है। और यहाँ पता चलता है कि माइक का भाई पूल में डूब के मर गया था, और ये उसकी बेबी सिटिंग कर रहा था, मतलब उसकी देख रेख, तो ये बचा नहीं पाया था, उस वजह से इसके साथ ऐसा होता है। सुमोना कहती है कि तुम माइक से मिली कब थी, ये बताती है कि एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, मुझे भीगते हुए देख रहा था और अपना अम्ब्रेला लेकर मेरे पास आ गया, बस उसी दिन मिल गए थे हम। माइक के उठने के बाद सुमोना इसे बताती कि मैंने भी अपनी मम्मी को खो दिया था, और इस तरह से दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, और मतलब करीब आने की कोशिश करते हैं, करीब आने की कोशिश तो नहीं करते, मतलब बैठे होते एक दूसरे के पास, कुछ ऐसा माहौल सा बन जाता है। तो केट ना मतलब दिक्कत जल जाती है इनको, और इसको आगे कहती है कि तू मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है, उसको चुराने की कोशिश कर रही है। सुमोना कहती है कि मैं जा रहे हैं ऐसे, मतलब भाई लड़ाई हो जाती है इनकी। माइक रुकवाता है, अगली सुबह माइक की तबीयत खराब हो जाती है, केट अपना रूटीन देख रही होती है, उसको फॉलो कर रही होती है, और सुमोना यहाँ से जा चुकी होती है। पर दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है, थैंक यू माइक मेरी रात को इतना अच्छा बनाने के लिए, मतलब सुमोना का ये कहना है कि सुमोना एंड माइक ने रात भर सेक्स किया था। अब केट भाई साहब गुस्सा हो जाती है, उठ के माइक कहते कि अरे मैंने उसको छुआ तक नहीं, क्या लिख के चली गई वो इस रूम में, मतलब बताते कि गड़बड़ है, वो गन मिल गई थी, वो कीड़ा आ गया था, तो यार ये भी उनमें से हो सकता है क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं होता, लिख के गई है ना खाली। अब गुस्से में इसको धक्का दे देती है और ये टकराता है, नीचे गिर जाता है, इसके सर में चोट आती है, और कहता है कि मैंने तुम्हें उस टाइम धोखा नहीं दिया जब तू न्यूयॉर्क चली गई थी, तुम्हारे अमीर फ्रेंड के सामने मैंने अपनी इज्जत खोई, बेइज्जती करवाई इतनी ज़्यादा, घर पर रहा तुम्हारे लिए, मतलब इतना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, तुमको लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अगर चीट करूँगा। केट इसे माफ़ी मांगती है, और माइक की तबीयत अब ख़राब होने लगी, इनको डॉक्टर की ज़रूरत है, पर जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसमें इलाज के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो ये इलाज उलाज नहीं करा सकते यहाँ पर। इन्हें समझ आ जाता है कि पैसे वैसे से कुछ नहीं होने वाला है, और दिखाई देता है कि हमारी सोच कैसी है, हम सोचते क्या है, और हमारा जो नेचर है वो कैसा होता है। और ये कहता है कि चलो ऐसे बाहर चलो, केट मना करती है क्योंकि इसे पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, यहाँ तक कि माइक पर गन भी तान देती है कि बाहर निकलो तो शूट कर दूंगी, धमकाती है बहुत ज़्यादा, बट माइक इसको इग्नोर करके बटन दबाता है, गेट खुलता है और ये रूम के बाहर चला जाता है, पर इसको कुछ कहती नहीं है। और अब जीत के लिए कुछ ही दिन बचे थे खाली, केट पूरे दिन अकेली रोती रहती है, परेशान रहती है, और जीत के लिए अब बस 2 दिन बचे हुए, खाली 2 दिन इसको यहाँ पर रहना होता है। ये बटन के पास जाती है और सीन यहाँ से कट हो जाता है पूरा का पूरा ही, और हम देखते हैं कुछ महीने बाद का सीन। माइक एक दिन ऐसे रोड पर घूम रहा होता है, इसको अचानक केट एक बिल्डिंग से बाहर आती हुई दिखती है, क्योंकि रूम छोड़ने के बाद ये लोग कुछ दिन के बाद कभी नहीं मिले, आज मिल रहे सीधा। माइक कहता है कि तुमने रूम को छोड़ दिया था, ये जीत कर निकली थी। ये जवाब देती नहीं इसकी बात का, और इसे माफ़ी मांगती है जो भी इसने इसका बिहेव किया था पिछले गनवन तान के। फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें से ये उतरी थी, बाहर आई थी, ये होमलेस पर्सन के लिए शेल्टर बनाया गया है, और इसके अंदर किसी पर्सन ने डोनेशन दिया किचन बनवाने के लिए, अब वो कौन है किसी को नहीं पता। और यहाँ रूम में एक न्यू कपल आ गया होता है जो कि अपनी लाइफ स्टार्ट करेगा, मतलब वहीं रहेगा इसके अंदर 50 दिन, और फिल्म जहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पर मैं बता दूँ कि केट
रूम से बाहर नहीं आई थी, वो कंट्रोल करके रुकी वहां पर। उसने 1 मिलियन रुपए लिए और आकर वहां पर शेल्टर के अंदर उसने किचन के लिए डोनेट कर दिया सारा पैसा, क्योंकि उसके फादर उसी शेल्टर में ही रहते हैं। और उसने गरीबी देखी थी और उसने देखा कि मतलब अपने फादर को कुछ ना कुछ तो अच्छा करके जाएगी जाएगी, तो इसलिए उसने ऐसा किया होगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब।